विकसित भारत 2047 एक सपना है, उम्मीद है, बट अब आने वाले समय में वो सच होने वाला है। मुझे लगता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है खास तौर से हमारे प्रदेश के लिए, तो आज जो बजट कल पढ़ा जाएगा वो एक बहुत बड़ी आधारशिला रखेगा 2047 के लिए, जिसे विकसित भारत का बजट कहा जाएगा। अगर विकसित भारत की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करने होंगे, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, पूरे प्रदेश के विकास की बात, तो प्राइमरली मुझे लगता है कि कल के बजट में इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जिसमें कि प्रदेश में नई से नई इंडस्ट्री आए, किस तरह से मर्जर्स एंड अमेलगमेशन ज़्यादा हो यहाँ पर, तो हो सकता है उस पर कोई रिबेट लाई जाए। प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि वेयर हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, मुझे लगता है उस पर सरकार कुछ एक अच्छी पकड़ लेकर आएगी। टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देना, क्योंकि राजस्थान प्राय रूप से टूरिज़्म स्टेट है, तो मुझे लगता है कोई ना कोई बेनिफिट टूरिज़्म सेक्टर पे लाया जाएगा। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो मुझे लगता है हो सकता है कुछ डिजिटल हेल्थ पे कुछ लाया जाए, कोई महिलाओं के लिए योजना लाई जाए हेल्थ की स्पेसिफिकली। रोज़गार की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ के लिए कुछ योजनाएं लाई जाएंगी। सख्ती की बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये जो जिस प्रकार के पेपर लीक होते हैं या ये होते हैं, पिछली बार भी बजट में थोड़ा सा इसका आया था कि नया कानून बनाए, पर इस पर भी कुछ बड़ी मुझे लगता है टिप्पणी या कुछ नए लॉ के बारे में बातचीत आ सकती है। तो कल जो बजट मुझे लगता है पढ़ा जाएगा वो राज्य सरकार में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही जाएगा, बट जो केंद्र सरकार का विकसित भारत का सपना है उसके जितने स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि ये बजट एक जो आम बजट है हमारे राजस्थान प्रदेश का वो बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है इस प्रदेश के लिए, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीद रखी जा सकती है हमारी नई वित्त मंत्री से। सर एक सवाल ये भी बनता है, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट वाली बात होगी, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने में जब से नई सरकार बनी है तो विपक्ष ने भी और खासतौर पर जो छात्र संगठन है उन्होंने बेरोजगारी को लेकर और ये पेपर लीक के मुद्दों को लेकर, हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट में नहीं हो, लेकिन बेरोजगारी को लेकर काफ़ी कुछ धरने प्रदर्शन किए गए हैं। विपक्ष ने पिछली बार विधानसभा में भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर विशेष तौर से बात करें। सर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब्स पता नहीं सरकार कितने क्रिएट करेगी, जिस पे एक उम्मीद रहती है, हो सकता है कि शिक्षक भर्ती पे कोई सरकार बड़ा कदम ले आए, क्योंकि आज की तारीख में शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, नर्सिंग में ले आए, और छोटे छोटे जो ITI से रिलेटेड जॉब्स होते हैं उसमें कोई सरकार वैकेंसीज निकाल दे। बट बड़े रूप में देखा जाए तो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सरकार का विजन रहेगा कि वो इंडस्ट्रीज़ प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और अगर इंडस्ट्रीज़ आती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, रिको के कई इंडस्ट्रियल पार्क हैं, SEZ हैं, और अब तो पूरे प्रदेश में लाने की बात हो रही है, पहले क्लस्टर बेस्ड होता था, अब तो पूरे प्रदेश में पॉलिसी आ रही है, तो इंडस्ट्रीज़ के आने से हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़े। इन्वेस्ट समिट जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लेकर क्या? इन्वेस्ट समिट अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हालाँकि इस मंच पे पता नहीं कहना कितना उचित रहेगा नहीं रहेगा, बट MOUs तो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ के साइन होते हैं, बट हमने देखा है कि असल में वो उतनी इंडस्ट्रीज़ आ नहीं पाती है, उतना इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आ नहीं पाता है। राज्य सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से, रिप्स के माध्यम से बहुत सारी छूट दे रखी है कि अगर कोई इंडस्ट्री आती है 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस केस में काफ़ी छूट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट समिट तो बहुत होंगी, अब डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पे कि वो जो नीति लेकर आती है उस नीति के हिसाब से कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लाने के लिए। मुझे प्राय लगता है कि राजस्थान सरकार अब जिस ओर बढ़ रही है वो एक मैं इसे ना एक यंग सरकार कहूँगा, यंग सरकार मतलब जो युवा में जोश होता है वो इस सरकार में जोश है,
तो मुझे लगता है कि युवाओं का ध्यान जैसे साथ में रखा जाएगा, उसी तरह से जो पूरे चहु और विकास की बात है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ग्रोथ आएगी। तो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए राजस्थान में, इनको कुछ ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ गुजरात चली जाती है, महाराष्ट्र चली जाती है, मध्य प्रदेश चली जाती है, उत्तर प्रदेश चली जाती है, यहाँ तक कि बिहार चली जाती हैं, वो राजस्थान की ओर अपना रुख करें। उसके लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत मुझे लगता है वो होगा कि लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी हमारे प्रदेश में काफ़ी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया है, बट आने वाले टाइम में रेल नेटवर्क पे भी हो सकता है कि केंद्र सरकार से अगर कुछ करवा लाएं, क्योंकि राजस्थान तक सामान पहुंचाना और राजस्थान से पूरे देश में सप्लाई करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज सेंट्रल इंडिया में या फॉर अपन देखें कि ईस्ट इंडिया में उस तरफ ज़्यादा रुझान रखती हैं ताकि वहाँ से ईजिली सप्लाई हो जाए। तो राजस्थान में प्रायः खाली एरिया ज़्यादा है आबादी के हिसाब से, जो कि हम बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदेश में अच्छे कुछ कल से नीतियाँ आनी चाहिए जिससे कि प्रदेश का विकास होगा।